नागिन 7 में एकता कपूर किस टीवी एक्ट्रेस को बतौर लीड नागिन लेकर आने वाली हैं, इस बात को जानने की होड़ फैंस में भरपूर देखी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ टीवी एक्ट्रेस प्रियंका चहर चौधरी का नाम बिग बॉस 16 के दौरान से ही नागिन 7 से खूब जुड़ रहा है। वैसे तो प्रियंका खुद ये बात साफ कर चुकी है कि उन्हें अभी तक नागिन 7 के लिए अप्रोच नहीं किया गया है और फिलहाल कुछ भी कंफर्म नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि प्रियंका में 4 ऐसी खूबियां हैं जिसकी वजह से वो एकता की नई नागिन जरूर बन सकती हैं। अब क्या है ये 4 बड़ी क्वालिटीज आपको भी बताते हैं। पहली खूबी, बिग बॉस 16 के घर में प्रियंका से इम्प्रेस थी एकता, किया था शो करने का ऐलान। बिग बॉस 16 के दौरान एकता कपूर ने शो में एंट्री की थी और कई फीमेल कंटेस्टेंट्स के ऑडिशन लिए थे। तब एकता कपूर ने जहां निमृत कौर अहलूवालिया को अपने प्रोजेक्ट के लिए साइन किया था, तो वहीं प्रियंका के साथ काम करने की इच्छा जाहिर की थी। इसी एपिसोड के बाद से प्रियंका के नाम की चर्चा नागिन 7 से खूब ज्यादा जुड़ने लगी। बल प्रियंका में जो एक्टिंग का कीड़ा एकता ने देखा, उससे वो काफी इम्प्रेस दिखी थी। ऐसे में माना जा रहा है कि प्रियंका एकता की नई नागिन जरूर बन सकती हैं। दूसरी खूबी, प्रियंका में नागिन वाली खूबी। प्रियंका का नागिन 7 में आने का एक और बड़ा कारण है और वो है प्रियंका में नागिन की सारी क्वालिटीज। प्रियंका की फिजिक ठीक वैसी ही है जैसी एक नागिन की होनी चाहिए। प्रियंका की खूबसूरती, उनके तेज तर्रार नैन फीचर्स एक नागिन के किरदार के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। उनकी चाल, उनकी ढाल, उनका अंदाज और सबसे बड़ी बात उनकी दमदार आवाज जिसमें भरपूर प्यार भी दिखता है और गुस्से की आग भी। तीसरी खूबी, तेजस्वी की तरह वर्सेटाइल है प्रियंका। नागिन 6 में तेजस्वी प्रकाश ने अपने अलग अलग किरदारों से लोगों को दीवाना ही बना दिया, लेकिन ये कहा जाए कि प्रियंका भी तेजस्वी से कम नहीं तो कोई गलत बात नहीं होगी। तेजस्वी की तरह प्रियंका भी एक ऐसी एक्ट्रेस है जो अपने हर किरदार में जान डाल देती है। उडारिया शो में ये झलक कई बार जनता ने देखी है। फिर चाहे तेजो का रोल निभाना हो, तेजो के किरदार में मेंटली डिस्टर्ब लड़की का रोल हो, या फिर लंदन की गलियों में तेजो का मॉडर्न अवतार हो, प्रियंका ने तेजो के रूप में अपने कई डिफरेंट शेड्स उडारिया शो में दिखाए थे, जिससे साफ है कि प्रियंका एक होते हुए भी कई तरह के किरदार को पर्दे पर उतार सकती हैं और एक बेहतरीन वर्सटाइल एक्टर हैं। और चौथी खूबी, जबरदस्त पॉपुलैरिटी, जनता में भी नागिन रूप देखने की हलचल। प्रियंका के नागिन 7 में आने की जो चौथी और सबसे बड़ी खूबी है वो है उनके पास जबरदस्त पॉपुलैरिटी होना, जो उन्हें नागिन 7 में देखने की मांग कर रहे हैं। नागिन के फैंस के साथ साथ प्रियंका के फैंस भी उन्हें एकता के शो में लीड रोल निभाते देखना चाहते हैं। प्रियंका को लेकर इस वक्त ठीक वैसा ही बस है जैसे एक वक्त पर तेजस्वी को लेकर देखा गया था जब नागिन 6 आने वाला था। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि प्रियंका की ये सारी खूबियां उनकी नागिन 7 में एंट्री जरूर करवा सकती है।